लंबे काले बाल, लाल होठ, गहरी आंखें, वेलक पतली दुगली दिखने वाली महिला जो खूबसूरती के मामले में मित्सुरी कनारोजी को टक्कर देती है, और उनका नाम है कनाए खोशो, जो कि बड़ी बहन है शिनोबु खोशो की, और कहें तो स्टेप सिस्टर है कनाए की। वेल, अब तक डेमन स्लेयर की सीरीज में हमको कनाए खोशो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है। हमको कनाए खोशो के फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि वो काफी ही ज्यादा गुड नेचर्ड गर्ल थी और काफी ही इजी गोइंग पर्सनैलिटी थी, और हमको कनाए खोशो देखने को मिलती है सानेमिशन नोजुगावा, कनाओसु यूरी और शिनोबु कोशो के फ्लैशबैक्स में, जहां हमको दिखाया गया है कैसे एक बार सानेमी अगेंस्ट हो गया था उनके लीडर कगाया उबुयाशिकी के, जहां सानेमी का ये कहना था कि उनके लीडर उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, जहां कनाए कोशो अपने लीडर का साथ देते हुए सानेमी को कन्विंस करती है कि उनके लीडर उनकी काफी ही ज्यादा परवाह करते हैं। तो ये था इस कैरेक्टर का ओवरव्यू, एंड हम बात करते हैं इस कैरेक्टर की हिस्ट्री की। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट डॉग शो में, जहां आपको मिलती है सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ अमेजिंग वीडियोस। वेल, कनाए और शिनोबु काफी ही ज्यादा पीसफुल लाइफ जी रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, और इन दोनों के पेरेंट्स इनकी काफी ही ज्यादा परवाह करते थे और उनको काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ये सब काफी टाइम तक नहीं चला, जहाँ पर एक दिन इनके घर पर एक डीमन ने हमला कर दिया, जहाँ शिनोबु और कनाए को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनकी आंखों के सामने ही डीमन से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। और जैसे ही वो डीमन इन दोनों की तरफ बढ़ा, इतने में ही वहां पर हमारा स्टोन हाशिरा क्योमे हिमेजिमा आ जाता है और उस डीमन को मार है। और इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद कोशो सिस्टर एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बनेंगी और डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करेंगी, ताकि वो डीमन के बढ़ते हुए इन्फ्लेक्शन को रोक पाए, जहां उनका ये कहना था कि जो दर्द उन्होंने सहा है वो और कोई इस दुनिया में ना सह पाए। जहां वो दोनों काफी ही जल्दी एक डीमन स्लेयर बन गई और उन्होंने धीरे धीरे अपनी खुद की ब्रीथिंग स्टाइल्स डेवलप करी, और जहां हमारी कनाए कोशो फ्लावर हाशिरा बन गई, जहां जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कनाए है सानेमी से ड्यूरिंग हिज फर्स्ट हाशिरा मीटिंग, जहां सानेमी काफी ही रूडली बिहेव करता है कगाया से, जहां वो बताता है कि उसको हर उस डीमन स्लेयर के नाम याद हैं जो डीमन से फाइट करते हुए मारे गए हैं। एंड देन एक दिन जब कनाए और शिनोबु एक विलेज से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं एक आदमी को जिनने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ रखा होता है और टाइटली रोप्स में बांध रखा होता है और वहां से लेके जा रहा होता है। और कनाए के पूछने पर वो आदमी बोलता है कि उनने इस छोटी सी बच्ची को खरीदा है, और जब कनाए उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, वो आदमी बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है। एंड देन उसके बाद शिनोबु, जो कि उस टाइम पर काफी ही ज्यादा एंग्री वुमेन रहती थी, वो उस आदमी के मुंह पे पैसे मारती है और बच्ची को कनाए और शिनोबु वहां से छुड़ा के ले जाते हैं बटरफ्लाई मेंशन में, जहां दोनों कोशो सिस्टर्स उस लड़की को एज अ थर्ड सिस्टर अडॉप्ट कर लेते हैं, जो आगे जाकर बनती है कनाओ। बट कनाओ क्योंकि बचपन से ही काफी ही ज्यादा बुरे माहौल में पली बड़ी होती है, वो अपने लिए कोई भी डिसीजन जल्दी ही नहीं ले पाती है, जहां कनाए उसको एक कॉइन देती है, जहां वो अपने डिसीजन लेने के लिए उस कॉइन को फ्लिप करके अपने डिसीजन ले सकती है। वेल, थोड़े टाइम बाद जब कनाए का फेस ऑफ होता है अपर मून टू डीमन, जो कि उस टाइम पे मेंबर बना होता है 12 किजुकी का, इसका नाम होता है डोमा, वो डोमा से फाइट के दौरान काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है और डोमा वहां से भाग जाता है क्योंकि वहां पे सनराइज होने वाला होता है। और जब वहां पर शिनोबु पहुंचती है तो अपनी बहन की हालत देख के काफी बुरे तरीके से रोती है, जहां कनाए अपनी सिस्टर को बोलती है कि डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ के वो एक नॉर्मल और सिंपल लाइफ जिए। बट शिनोबु ठान चुकी होती है कि वो उसकी बहन के किलर डीमन को मार कर ही रहेगी, जहां बाद में शिनोबु का फेस ऑफ होता है अपर मून टू डोमा से, और शिनोबु डोमा को मार तो नहीं पाती है, लेकिन वो उसको काफी ही बुरे तरीके से विस्टेरिया फ्लावर की मदद से बेजान बना देती है, जिसके बाद वहां पर कनाओ पहुंचती है और डोमा को इनोसुके के साथ मिलकर हरा देती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कनाए खोशो के ऊपर। होप करता हूँ आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा, अगर तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऑल्सो, अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, और सीक्रेट डॉग शो को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। सी यू सून विद अनदर अमेजिंग वीडियो। हास्ता ला विस्ता, बाय।